तो दोस्तों, सलमान खान, करण जौहर और विष्णुवर्धन की फिल्म पर कई दिनों बाद आया बड़ा अपडेट। जी हां, कॉफी विद करण के नए एपिसोड का प्रमो आया है। 23 नवंबर को रिलीज होने वाले एपिसोड में वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा आएंगे। मेकर्स ने शो से एक प्रमो भी रिलीज किया है। इसके एक हिस्से में वरुण करण से एक सवाल करते हैं। वरुण करण से पूछते हैं कि आप सलमान खान से किसी फिल्म के लिए हामी कैसे भरवाते हैं। करण इसके जवाब में 3 शब्दों का मंत्र देते हैं। उनका कहना था कि किसी भी तरह रिक्वेस्ट करके उन्हें फिल्म के लिए मनाना पड़ता है। सलमान खान ने करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में एक साथ काम किया था। उस फिल्म को 25 साल हो चुके हैं। उसके बाद दोनों के साथ काम करने का कोई समीकरण नहीं बैठा। हालांकि अब दोनों फिर साथ काम करने जा रहे हैं। बस यहां पर यह है कि करण जौहर इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को शेरशाह फेम विष्णुवर्धन डायरेक्ट करेंगे। ये एक एक्शन फिल्म होगी जिसकी कहानी में इंडियन आर्मी का बैकड्रॉप रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सलमान फिल्म में एक पैरामिलिट्री ऑफिसर बनेंगे। खबरें आई थी कि उन्होंने अपने रोल के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। किरदार के हिसाब से खुराक और एक्सरसाइज रूटीन में बदलाव किए गए हैं। सलमान खान की पिछली 2 फिल्में से उनके कट्टर फैंस भी खुश नहीं। किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 देखने के बाद कई लोगों ने शिकायत की कि सलमान खान पूरा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ये बातें सलमान खान तक पहुंच चुकी हैं। उम्मीद है कि करण जौहर वाली फिल्म में वो खुद को और पुश करेंगे। इस फिल्म का अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन करण जौहर और सलमान खान मीडिया से बात करते हुए इसे अपनी तरफ से कंफर्म कर चुके हैं। पिंक विला की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में इस फिल्म की कास्ट लॉक होनी थी। समांथा और रुद्र प्रभु का नाम भी इससे जुड़ा था, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसी खबरों का खंडन भी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की टीम अपने पहले शेड्यूल के लिए दिसंबर के शुरुआती दिनों में शूट करेगी। उसके बाद जनवरी 2024 में अगला लंबा शेड्यूल होगा। आने वाले 2 महीनों में फिल्म की कास्ट और रिलीज डेट जैसी डिटेल्स आधिकारिक तौर पर शेयर की जाएगी। दिसंबर में फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद करीब 7 से 8 महीनों तक चलेगी। उस दौरान सलमान खान टाइगर वर्सेस पठान शुरू करेंगे। वैसे दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड सलमान खान की इस मूवी के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डायहार्ड फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।